इंदौर में तेज रफ्तार सिटी बस ने नगर निगम के दरोगा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर और परिचालक बस को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट रोड का है। यहां पर नगर निगम में पदस्थ दारोगा शिवजीत शिंदे सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साफ सफाई का कार्य चल रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक सिटी बस चालक ने कुचल दिया। घटना के बाद सिटी बस ड्राइवर सहित अन्य कर्मचारी मौके से फरार हो गए। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आज शाम करीब 6:30 बजे जो एयरपोर्ट रोड है, मिड फ्लाइट रेस्टोरेंट के सामने वार्ड क्रमांक 14 जोन 16 के जो सफाई दरोगा हैं शिवजीत शिंदे, जो कि पल्लह नगर के वार्ड जोन 16 में सफाई दरोगा के रूप में कार्यरत थे, और वहाँ पर घटनास्थल पर इनके एक साथ में रामबाबू चौहान थे, जिनको इनने पन्नी जो पड़ी हुई थी उसको उठाने के लिए भेजा और खुद भी रोड क्रॉस करके अपने सफाई कर्मचारी के पास जा रहे थे। उसी समय AICTL की बस क्रमांक MP09FA7024 का ड्राइवर गाड़ी को अत्यधिक तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाकर लाया और शिवजीत शिंदे को टक्कर मार दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था। गाड़ी को जब्त करके थाने पर रखा गया है और शिवजीत शिंदे जी का जो डेड बॉडी है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।